वैसे तो सर मैं अंदर से बहुत हॉट हूँ. अंदर से मतलब क्या जॉन्डिस हुआ है अंदर? मैं जब डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल करके निकलता हूँ तो लोग मेरे से चलते. अपनी आवाज में बात करो, रजा मुराद की आवाज में क्यों बात कर रहे हो? छोटे से शेक्सपियर ने एक बात कही है, सॉरी उल्टा हो गया, शेक्सपियर ने एक छोटी सी बात कही है. चड्डा साहब फांसी ले रहे हो? अपनी उम्र का तो ख्याल करें. अरे उसकी सफेद मुछे ना देखे, अंदर चिल बोल रही है वो. मलका मैं आ रहा हूं. पढ़ना ही नहीं चाहिए. भगवान का शुक्र है मेरे पास कल का है. देखो कैसी कैसी फिजूल टाइप की खबरें छपी हैं. एक शादीशुदा औरत अपने प्रेमी के साथ भाग गई. फिटेमो, मेरी मम्मी जी ठीक कहती हैं, औरत ही औरत का घर बर्बाद करती है. लो जी एक से शादी की, दूसरी के साथ भाग गई, दो दो आदमी बेस्ट हो गए. सुनती हो? सुनाई दे रहा लेकिन मुंह उधर करके बैठ गई. बुआ के बिट्टू सुनती हो? शो में शुरू शुरू आने की आदत नहीं है ना, तो इसलिए गलत बोल बैठी. बिट्टू की बुआ सुनती हो? टीवी देखा? रोज देखती हूँ. और सुन गुत्थी, जिस दिन मौका मिला ना उस दिन उठा भी लाएंगे. नहीं मेरा मतलब आज टीवी देखा, एकदम फ्रीकिंग न्यूज़ आई हुई है. फिर मुंह बात करने की तमीज सीख ले. फ्रीकिंग नहीं होता, ब्रेकिंग न्यूज होता है. और सुन, कोई बड़ी खबर होगी ना तो ही मुझे सुनाना, छोटी मोटी खबरें तो हमारे परिवार की भी छपती रहती है. ऐसी खबर सुनाऊंगी कि आप आश्चर्यचकित हो जाओगी. क्या हो जाऊंगी? आश्चर्यचकित है? मैं नहीं बोलती दोबारा. आपको तो है ही करना बोलना, तो मुझे पता नहीं इतना मुश्किल शब्द. आपको पता है खबर ये है कि दो है ना डाकू, जवान और खूंखार, पुलिस स्टेशन से भाग गए हैं, हमारे मोहल्ले में ही है. अब हम क्या करेंगे? ये करना क्या है? मैं जवान पर फोकस करूंगी, तू खूंखार पे करना, तू तो उसी काबिल है. ये मजाक की बात नहीं है, डाकू हमारे मोहल्ले में घुस चुके हैं, पुलिस ने अलर्ट किया हुआ है. अब हमको क्या करना होगा ये सोचो. वो सोचना क्या है? देख भाई, डरते तो वो हैं जिनके घर में लूटने के लिए कुछ होता है गुत्थी. आपको पता है पिछली बार हमारे घर में डाकू आए, बेचारे ना रो के गए. हाय रब्बा, एक डाकू तो इतना इमोशनल हुआ, उसने अपनी FD तोड़ा के 300 रुपए मेरी मम्मी जी को दिए. बहुत डरी हुई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ क्या. डरने की बात नहीं है, बहुत ज्यादा खुशी की बात है. तेरे को पता नहीं है, जो डाकू होते हैं ना उनको कोई भी अपनी बहन बेटी देता नहीं है, उनकी शादियाँ नहीं होती. तो फिर यहाँ डाकू के बच्चे कैसे पैदा होते हैं? नलायक के बच्चे पैदा नहीं होते, डाकू बनते हैं. बनते सोच, डाकू इस घर में आएंगे, उनको दो हट्टी कट्टी और एक खूबसूरत लड़की मिलेगी. नहीं नहीं बुआ, आप भी बहुत खूबसूरत हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. डाकू पकड़ो 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 पकड़ो. अरे पकड़ो पकड़ो नहीं, भागो भागो बोलते हैं. हाय रब्बा, कितना नॉटी डाकू है, आते ही भागने की बात कर रहा है. आप लोग हमें पकड़े क्यों? हम लोग ने किया क्या है? देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप करना है तो जो चाहे मर्जी कर लीजिए, लेकिन प्लीज हमने जो गहने पहने हुए वो मत चुराना आप, ठीक है? और हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी घर पे नहीं है, 3 घंटे तक कोई नहीं आने वाला यहाँ पे, इसलिए प्लीज
जो करना कर लो लेकिन हमको छोड़ दो। अरे हम कैसे छोड़े, पकड़ा तो आप दोनों ने है हमें। हाँ, हमने पकड़ा। हाँ, डाकू में पकड़ा पकड़ी चलती रहती है ना, तो आपने पकड़ा तो हमने पकड़ लिया गलती से, कोई बात नहीं। देखिए आप दोनों को गलत फहमी है, हम यहाँ डाकूगिरी करने नहीं आए हैं। तो फिर कौन सी गिरी? हम एक फैमिली ढूंढने आए हैं। आते ही फैमिली की बात कर रहे हैं, कितनी जल्दी मची है इनको। सुनिए, फिल्म का मुहूर्त होते ही फिल्म रिलीज नहीं हो जाती, थोड़ा टाइम शूटिंग के लिए भी देना पड़ता है। आप लोग समझ नहीं रहे, हम आपकी पूरी फैमिली को लेने आए हैं। ओके जी। जो किसी ने भी डॉली की फैमिली को ले जाने की बात की तो मैं एक एक डाकू है। हाँ। तुम लोग डाकू बन गए? ये पैसे का लालच इंसान से क्या क्या नहीं करवा देता। हम तो चोर हैं ही, तुम भी डाकू बन गए। देखिए आपको गलत फहमी हो गई है, एक्चुअली हमारी एक नई फिल्म लॉन्च हो रही है जिसका नाम है क्या कूल है हम 3। और हमें उस फिल्म के लिए एक संस्कारी फैमिली की जरूरत है। संस्कारी? अरे कैसी बातें कर रहा है, इसको समझा तुषार। आपसे सच्चा और अच्छा परिवार तुझे कहीं नहीं मिलेगा। जैसे तेरे यहाँ एकता है ना, वैसे हमारे फैमिली में भी सब एकता है। चोरी एक करता है, मार सारे खाते हैं। छोड़ ना, कहाँ इसके मुंह लग रहा है। अरे मधुमक्खी को भी छेड़ कर है ना, मधुमक्खी से डंग नहीं मारता। कहते छत्ते जैसे मुंह पे डंग कौन मारे। जूस मी। मेरे साथ ऐसी बात नहीं करनी मुंह के बारे में। मैं बाहर जाती हूँ तो लोग कहते हैं तुम्हारी शक्ल मनीष बैल से मिलती है। अरे पुलिस आ गई, पुलिस। ओह हो, कहीं डाकुओं के साथ मुझे भी ना पकड़ने में भाग रही हूँ। जो कोई अपनी जगह से हिला तो थप्पड़ मार मार के इसका मुंह लाल कर दूंगा मैं। हमें खुफिया सूत्रों के न्यूज़ चैनल से पता चला है यहाँ पे दो डाकू आए हैं। इतने अच्छे घर के लड़के तुम्हारे घर में क्या कर रहे हैं? बेटा शमशेर, ये दोनों डाकू हैं। अच्छा, पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए खूबसूरत बन के घूम रहे हो। नाम क्या है तुम्हारा? आफताब शिव जसानी सर। इतना धार्मिक नाम और इतने गंदे गंदे काम, तुम्हें तो शर्म नहीं चाहिए। शक्ल तुम्हारी तुषार कपूर से मिलती हो, डाकू बन के घूम रहे हो। और आपको गलत फहमी हो गई है, हम डाकू आकू नहीं है, हम यहाँ फैमिली हायर करने आए हैं। हाँ। क्या करने आए? किराए, किराए, किराए पे लेने आए। फैमिली की VCR है, किराए पे लेने आए। अगर मैं थप्पड़ मारना भूल जाऊं तुम मुझे याद दिला दिया करो। ठीक है सर, ठीक है सर। सुनो, ये हाथ तकड़ी पकड़ो, इसके पकड़ना भाग नहीं जाना। फैमिली किराए पर क्यों लेने आए हो? हमें एक लड़की इम्प्रेस करने के लिए एक फैमिली की जरूरत है। तो मतलब फ्रॉड का धंधा हो गया ना? थोड़ा बहुत फ्रॉड तो हुआ ही ना। हमारा स्टाइल है, हमने एक बंदा रखा हुआ पर्सनल थप्पड़ मारने के लिए। इससे क्या है, पुलिस का टेरर बना रहता है। इसने जुर्म क्या किया है? जुर्म इसने कुछ नहीं किया, मुझे इसकी शक्ल अच्छी नहीं लगी। लेकिन तुम लोगों ने जो फ्रॉड किया है, दफा 420 दो बार और 7 साल की कैद बामुशक्कत। चलो जल्दी अंदर चले जाओ, तो पड़ेगी हमको। साहब हम अपनी माँ के राजा बेटे हैं, प्लीज मत मारी। माँ का बेटा क्या? माँ की दाल का बेटा है, ऐसे होते हैं माँ के बेटे। मुंह तेरा फिर भी लाल नहीं होगा।
और सुन मेरी बात, ये मैं थप्पड़ मारता हूँ, ई करेगा तो मेरे को और गुस्सा आता है, मैं तो और मारूंगा तेरे को। अरे किसी को थप्पड़ मारेगा तो ई तो निकलेगी ना। मुक्का मार के देख लेता हूँ। This is sounding much better. तुम लोग की हूँ तो मैं जेल में जाकर आता, चलो। अरे लेकिन हमने कोई क्राइम किया ही नहीं है सर। उसकी टेंशन मत लो, हमारे पास बहुत सारे क्राइम कोई ना कोई डाल देंगे। आपको मेन्यू कार्ड देंगे, जो आपको पसंद आएगा। बदनामी टाइप आपको लेना है क्राइम कोई, जैसे लड़कियां छेड़ने टाइप वो भी है, अगर डेयरिंग टाइप को चाहिए मर्डर टाइप तो वो भी हम दे सकते हैं आपको। क्या बात कर रहा है शमशेर, जरा गौर से इसकी तरफ देख। हाँ। इतना भोला है, ऐसे लगता है सिद्धू जी अभी दूध की बोतल मांगेगा ये। पुलिस के सामने बहस करते हो? देखो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं, मुझे और भी जगह रिश्वत लेने जाना है, अपना मीटिंग करने जाना है। या तो मामला ले दे के खत्म करो, या फिर ले दे के खत्म ही करो, मैं तो कहता हूँ। हमारे पास पैसे इस वक्त नहीं है, क्योंकि हम जो पैसे लेकर आए हैं वो हम इन्हें देने वाले हैं। हमारी फैमिली को हायर करने का जो किराया होगा ना, वो बजट बजट बजट। हाँ। बजट कितना पेमेंट दिया बुढ़िया को? सर दादी के 2000। इसका 2000 रुपया? इसको तो चाहे 75 रुपए का देसी का थर्रा पिला के भूटान ले जाओ, इसके ऊपर तुम 2000 खर्चा कर रहे हो। देखो मैंने कुछ बुढ़े बुढ़े बुजुर्ग पकड़ के अंदर किए हैं, तुम चाहो तो उनमें से किसी को दादी बना लो। 200 रुपए देना, 1800 बचेगा, 50-50 कर लेंगे। मेरे पास एक बहन भी है। ना? क्या तुम तो बहन की मां लगती, बहन तुम इसको बहन बना रहे हो तो चाचा किसको बना रहे हो फिर? देखो मेरे पास एक चाचा भी है, एक आंख वाला चाचा, बड़ा एक कमाल का चाचा है। He was a pickpocket. लोगों ने उसकी आंख फोड़ दी, अभी now he's a sharp shooter. Because अभी उसे एक आंख बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती, बोलो अगर चाहिए तो। और शमशेर तू हमारे पेट पे लात मार रहा है। मेरा दिल करे तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारूं, मेरे पेट पे लात मारने को बात करती है। और तुमने इतनी देर से याद नहीं दिलाया, तुझे थप्पड़ मारना था मैंने। याद कौन दिलाएगा मुझे, तुमको मैं? अभी निकलो यहाँ से, और आगे से ऐसा मुंह लेके सड़क पे नहीं घूमना। हमारा मुंह ऐसे काला नहीं है, और तुमने ट्रक पे लिखा पड़ा था बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला पड़ते ही काला हो गया। दबा जाए यहाँ से। आपका हथकरी। और तुम लोग ऑन ड्यूटी पुलिस अफसर के सामने फालतू बातें करते हो, जेल चलोगे कि अंदर जाओगे? समझ गया हमें कहाँ जाना है, अब चलते, चल चल पिंकी चल, आ जा। Now you tell me, handsome guys, both of you together, what is the real matter? Is it happening in front of my back? बात ये कि हमारी नई फिल्म शुरू होने जा रही है, जिसका नाम है क्या कूल है हम 3। Will you please tell me, cool cool मतलब क्या होता है? सर cool का मतलब हो जिसमें स्टाइल हो, जिसमें एटीट्यूड हो, जिसमें पर्सनालिटी हो, that's cool. मेरे पल्ले पड़ा नहीं कुछ। यार ये हीरो लोगों की बातें मेरे समझ में नहीं आती। देखो कोई भी मोल भाव करो, कभी हेयर ड्रेसर से पैसे कम देने ज्यादा नहीं करने, वे तो इधर से ज्यादा बाल काट दिए ना उसने। मैं जितने बंदे देखे सब में कुछ ना कुछ है। मेरे को अगर जैसे मतलब मान लो कूल बनना है, मुझे क्या करना पड़ेगा? आपके इर्द गिर्द एक हॉट लड़की होनी चाहिए। इर्द गिर्द? इर्द और गिर्द। इर्द भी और गिर्द भी? इर्द भी। तो फिर आदमी तो बिर्द हो ही ना। लड़कियां देखिए ऐसा है, हम लोग थोड़ा पुलिस वाले हैं तो हमारे तो वैसे लड़कियां भाग जाती है। हॉट लड़की की बात आप कर रहे हैं, मैं कहां से अरेंज कराऊंगा, हमारा बजट नहीं है। नहीं वो हम लोग करते हैं अरेंज आपके लिए। अच्छा लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम वंदना करीमी। एटम बम बॉय। वेलकम। हाउ आर यू? वेरी गुड, हाउ आर यू सर? यू डोंट नो, यू आर टू गुड। थ्री गुड। ओके एक्चुअली कैन आई से समथिंग सर? या व्हाई नॉट। वंदना ऑडियंस ऑडियंस वंदना वंदना तुषार तुषार ऑडियंस वंदना। She's three cool. She's ऐसे ज़्यादा पास नहीं होना, मेरी किस निकल जाती है। ये हाँ सर। Tell me one thing. You are creamy for childhood और बड़े होके लोगों ने देख के नाम रख दिया है। नहीं नहीं मैं पैदाई हूँ ऐसे हूँ। पैदाई शी। पैदाई। पैदाई ऐसी हुई। पैदा नहीं पैदा। ऊपर। बात बताओ मुझे। ये जब फिल्म साइन करी थी तुम लोगों ने,
स्क्रिप्ट पढ़ी थी कि इसको ही पढ़ के साइन कर दिया था। उसका ऑपोजिट हुआ, इन्होंने स्क्रिप्ट साइन की हम दोनों को देखकर। इज इट ट्रू? एक्चुअली ये सब बात नहीं है। मैंने जो पहले ही बार ये कपिल शर्मा शो देखा, मैंने एक्चुअली मैंने ऐसे सोचा कि देखो वंदना, अब हिंदुस्तान आना है। और कपिल शर्मा शो और गुत्ती और आपके सर, आपका काम हो गया। ओह स्वीट ऑफ यू। तुम घूम के आओ ना। तो फिर आपने क्या डिसाइड किया? फिर डिसाइड किया कि मेरा जो बेबी हुआ है यहाँ होने वाला। आपका क्या बेबी? नहीं बेबी, अच्छा डेब्यू। एक्सेंट अंडरस्टैंडिंग। नहीं नहीं वो डेब्यू को बेबी बना दिया। हाँ कपिल शर्मा ये इधर फंस गया है, अभी तो फायर ब्रिगेड वाले निकालेंगे। एक मिनट शमशेर भाई, आप इतना डरो मत, थोड़ा खुल जाओ, खुल जाओ। हाँ बिल्कुल खुल जाओ, थोड़ा कॉन्फिडेंस। खुल गया, मेरे को बंद करना मुश्किल हो जाएगा। टेल मी, यहाँ देखो, वहाँ देखकर एक शायरी बोल। मैं आदाब बोल दो। अर्ज किया है कि 44 की फूल 66 की माला, 44 के फूल 66 की माला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ये कैसी शायरी हुई? इससे कुछ नहीं होगा, थोड़ा रोमांटिक, थोड़ा उनको देख के। हाँ थोड़ी फीलिंग लो अपनी शायरी में। अच्छा आंख कनेक्शन, आंख तो मेरी है आपके। ओके वंदना क्रीमी के लिए एक और शेर अर्ज किया है कि हुस्न के लाखों रंग, कौन सा रंग देखोगे? क्रीम मैंने खा जानी, तुम दोनों बैठ के देखोगे। ये शायरी नहीं, शायरी को हम रहने देते हैं। आप एक काम करो, आप इनका हाथ पकड़ के इनसे डांस करो। हम दोनों करते हैं, आप मैं फॉलो करो। मैं वही बोला ये, अब आप शुरू करो। वंदना गिव मी सम एक्स्ट्रा टाइम बिकॉज आई हैव टू लर्न दिस ऑल दिस स्टफ। Sir. I have inside my body, but you know, I can't take out. तो हमें कब देखने को मिल सकती है ये फिल्म? देखिए वैसे जो भी आता है यहाँ वो मतलब फिल्म की रिलीज के पहले आता है और कहता है कि हमारी फिल्म अगले हफ्ते रिलीज होने वाली है और हम ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे, लेकिन आफ्तावर में आए हैं हमारी फिल्म की शुरुआत के वक्त कि हमारी फिल्म शुरू होने वाली है और हम छः महीने बाद के लिए अब वादा करते हैं कि हमारी फिल्म जो आपके हमशक्ल है ना कपिल शर्मा जी, कपिल शर्मा जो बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट वाले शो को होस्ट करते हैं, वो स्मार्ट सा लड़का, जो स्मार्ट और कूल, उसके टक्कर की मतलब मनोरंजन जो एंटरटेनमेंट है ना, उस तरह की एंटरटेनमेंट हम लोग लेके आएंगे हमारी फिल्म में। क्या कूल है, हम थ्री की कास्ट के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। हमारी बेस्ट विशेस आपको आपकी फिल्म के लिए, आपको एक हग। तो इनकी फिल्म जो है वो थाईलैंड में शूट हो रही है, ये लोग तो उधर एंजॉय करेंगे ही। बाजी आज हमारे देशवासियों को सर्दियों में भी गर्मियों का एहसास होने वाला है। और जितने भी लोग टीवी देख रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर आपके टीवी के पास ही बिल्कुल आपका फ्रिज और फ्रिज के अंदर अंडे रखे हैं, उसको निकाल के बाहर रख दीजिए, बिकॉज इतना हॉट माहौल होने वाला है, हो सकता है आपके अंडों में से चूजे निकल आए। बॉलीवुड से यहां कोई आवत है, कोई जावत है, कोई दिल में फूल खिलावत है, पर अपनी अदाओं से जो पानी में आग लगावत है, वही हुस्न परी मल्लिका शेरावत। क्या बात है बाजी, जो आग लगाए वो मल्लिका शेरावत है। जब एपिसोड देखेगी भाभी तो आपको उनसे कौन बचावत है? अरे भैया ऐसे मौके पे क्यों उसकी याद दिलावत है? मल्लिका आपका कॉमेडी नाइट्स में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने आपके लिए आज कितना दिल से गाना गाया, मैंने जिंदगी में आज तक इतना दिल से नहीं गाया। मुझे आप पे जरा भी भरोसा नहीं है, मैं इनके एपिसोड्स देखती हूँ
आप तो हर एक एक्ट्रेस के साथ फ्लर्ट करते हो, हर एक एक्ट्रेस के लिए गाना गाते हो, तो मेरे लिए क्या स्पेशल किया? हाँ, स्पेशल मैंने प्लीज क्या स्पेशल किया? मैंने आज लिरिक्स को इतना फील करके जिंदगी में कभी नहीं गाया जितना मैंने आज गाया है। मुझे आपकी बात पे जरा भी विश्वास नहीं है। एंड एज अ पनिशमेंट यू आर नॉट अलाउड टू फ्लर्ट विद मी और ये डिस्टेंस। एक हाथ का डिफरेंस बोल रही है इतना? मैंने उसकी भी मेंशन कर रखी है, इट्स अ वाईफाई किस फॉर यू माय टैलेंट। वाईफाई किस, वाह। आपसे तो मैं बाद में निपटूंगी, उससे पहले मैं जरा सिद्धू जी से कुछ पूछना चाह रही थी। पाजी को हमेशा से शिकायत रहती थी कि मेरे पीछे लड़कियां बैठती, कभी पास, आज पास सीधा भगवान ने छप्पड़ फाड़ के दिया आपको। तरसता रहा एक बूंद के लिए मैं, आज समंदर को गर्द देख घबरा रहा। मैं जितने भी एपिसोड देखे और सबसे सुना है कि आप हमेशा मुझे याद करते हैं। आज मैं चाहती हूं कि आप प्लीज मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिए। आंखों में आंखें डाल के शेर कहिए ना। मैं नहीं देख सकती। आज मैंने शेर ढेर होते देख लिए। पारी जो आप हमेशा बोलते हो मल्लिका के लिए वही चार लाइनें, बिल्कुल। यहाँ कोई आवत है कोई जावत है, जो खुल के सामने है वही मल्लिका चरावत है। You rock, man. My buddy Shari, you rock today. Give it up. All right. आज तो कसम से लाल ड्रेस में आप तो खड़ी हो ना तो शताब्दी रोक दें आप। जहां मल्लिका शरावत है वहां कंट्रोवर्सी है, ऐसा क्यों? ये बात मेरी समझ में नहीं आती, पता नहीं हर जगह कंट्रोवर्सी हो जाती है, रूमर्स क्रिएट हो जाते हैं। अब देखिए ना, मैं इस शो में आई हूँ जी, और इस शो में हम सिर्फ अगर सिर्फ बात ही करें, ओनली सिर्फ बात, जैसे मैं आपको एक ऐसे एक फ्रेंडली किस दे दूं, उसमें भी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो इनका ये मानना है कि मैं चाहे फ्रेंडली किस करूं या ना भी करूं, सिर्फ बात ही करूं तो कंट्रोवर्सी हो जाती है। अब होनी तो है ही। न्यूज तो बननी है, चलो किसी गरीब का भला ही हो जाए। ए डिस्टेंस, डिस्टेंस। वाईफाई किस फ्रॉम माय साइड। ये अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप पे किस किस एक्टर ने लाइन मारी है तो ये मेरी बेवकूफी होगी। कोई एक नाम बताइए जिसने आप पे लाइन नहीं मारी हो आज तक। कोई ऐसा नहीं, कोई नहीं है, कोई एक्टर भी ऐसा नहीं है। पक्का? कोई नहीं याद आ रहा? नहीं, कोई मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने हाल ही में सुना कि आप ओमपुरी साहब के साथ एक फिल्म कर रही हैं। हाँ जी। वो काफी सीनियर एक्टर हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने तो नहीं लाइन मारी होगी। मैं एक डर्टी पॉलिटिक्स फिल्म कर रही हूँ जिसमें ओमपुरी जी हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं, ये एक रियल स्टोरी भंवरी देवी की लाइफ से इंस्पायर्ड ये कहानी है जी। तो काफी सीनियर एक्टर हैं और इस फिल्म में मेरा ओम जी के साथ एक इंटीमेट थोड़ा सीन था। अच्छा। क्योंकि वो स्क्रिप्ट की डिमांड थी, पर उस सीन के बाद मुझे लगा कि
ओम जी के साइड बर्न्स ना सफेद से काले होने शुरू हो गए। अगले दिन सेट पे आए ओम जी, सडनली ही हैड ब्लैक हेयर। ओम जी पहले पूरी तो वैसे ही नाम से थे, पूरे तो आप अब हुए मतलब। तो एक बार तालियां हो जाए मल्लिका के लिए। मल्लिका आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। मल्लिका के बारे में बहुत सारे रूमर्स हैं लोगों में, मैं आपसे जानना चाहता हूं उनमें कितनी सच्चाई है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि आपको पेट्रोल पंप पे जाना अलाउड नहीं है? पेट्रोल पंप से मेरा क्या लेना देना है कपिल? आपका ही लेना देना है, कहते पेट्रोल आग पकड़ लेता है। ओके ये फिर इसका मतलब रूमर है, वो नहीं मान रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि मुंबई के जो डिब्बे वाले होते हैं रोटी देने जाते हैं, वो कहते हैं आपकी फोटो लगा के रखते हैं, नीचे चपातियां गर्म रहती हैं। ये भी अफवाह थी। एक बात तो ये तीसरी जो अफवाह है, ये मुझे अफवाह नहीं लग रही क्योंकि मेरे को खुद थोड़ा सा इसमें बिलीव है। बता, इन्होंने जैकी चैन साहब के साथ फिल्म की। हाँ। चाइना के इतने बड़े एक्टर हैं हॉलीवुड में, इतनी सारी उनकी हिट फिल्में। हाँ। पर कहते हैं कि जो चाइना के लोग हैं, हाँ, जैसे उनकी आंखों का जो साइज होता है वो हमसे थोड़ा छोटा होता है नॉर्मल से, पर कहते हैं कि जब उन्होंने इनके साथ फिल्म की उनकी आंखें 1.5 इंच ज्यादा खुली। हाँ, ये रूमर नहीं है, ये तो मैंने भी ध्यान किया कि जैकी की आंखें हो गई थी बड़ी। ये रूमर नहीं है, ये इस बात में सच्चाई है। इसमें सच्चाई है। होना चाहिए भाई हमारी। हमारी इंडिया की लड़की ने आंखें खोल दी चाइना वालों की। मैं दिखाता हूँ बाजी उनकी आंखें कैसे खुली। यहाँ पे मैं चाहूंगा यहाँ पे जरा डिस्प्ले की जाए। ऐसा उन्होंने आपको क्या बोला था जो आपने ये उनके साथ किया? ये मैं आपको नहीं बता सकती। और ये मैं आपको नेशनल टीवी पे तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी। दूसरे देश वालों का सोचती हूँ, अपने देशवासियों का कुछ नहीं। एक बात बताइए, आपने जैकी चैन के साथ फिल्म की जी, आपने उनसे कोई स्टंट वगैरह सीखे? हाँ, क्योंकि जैकी सब अपने स्टंट्स खुद करते हैं और अच्छा। उनको इम्प्रेस करने के लिए मुझे लगा कि मैं भी सारे स्टंट्स खुद करूं, और मुझे इतनी चोटें लगी कि मैं जिंदगी में स्टंट्स नहीं करूंगी अब। आपने फिर उनको कुछ अपने तरीके सिखाए अपने स्टंट्स? मैंने उनको इतना बताया, मैंने कहा कि मैं हरियाणा की लड़की हूँ और हमारे हरियाणा की जो गाली होती है ना, एक एक गाली में 2-2 किलो का वजन है। फिर क्या बोले वो? वो सुन के वैसे ही आदमी मर जाए, कुंग फू की जरूरत नहीं है। ये मैं मानता हूं। मल्लिका, आप अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर ओबामा से भी मिली, आप यहाँ पे प्लीज वो पिक्चर भी दिखाई जाए। तो एक बार बताइए, आप जब उनसे मिली तो कोई जरूरी काम था कि वो सिर्फ करीब से देखना चाहते थे आपको? ये बात मैं आपसे क्यों शेयर करूँ, वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। कुछ मेरे मुंह से निकल गया, कुछ मैंने बोल दिया, दोनों मुल्कों के संबंध नहीं खराब होने चाहिए। नहीं ये तो है, लेकिन जैसे अभी मोदी साहब गए उनसे मिलने, तो उनका एक ये नजरिए से गए थे कि दोनों देशों के संबंध सुधरने चाहिए। जब आप मिले तो आपकी क्या बातें हुई? मोदी साहब तो यूं ही टिकट के पैसे खर्च करके गए, दोनों देशों के संबंध की बातें तो मैं पहले ही कराई थी। और मुझे तो लगता है मुझे फॉरेन मिनिस्टर रख लेना चाहिए मोदी सरकार में, सब आसपास पड़ोसियों के सब संबंध सुधर जाएंगे। पहले हरियाणा वाली गाली वाली गाल देके मेरे को डरा दिया। बहुत सारी हम लोग हीरोइन देखते हैं भाजी, कई फिल्मी बैकग्राउंड से होती हैं, कोई कोई मिस इंडिया बन के आ रही है, कोई किसी तरीके एंट्री कर रहे हैं बॉलीवुड में। आप हरियाणा जैसी स्टेट से हैं जहां से पहलवान बड़े आए, बॉक्सर्स बड़े निकले, स्पोर्ट्समैन बड़े निकले, लेकिन हीरोइन और ऐसा मास्टरपीस ये आप पहली हुई हैं। तो आपके मन में कैसे आया कि मैं हीरोइन बनूं और आपको क्या क्या फेस करना पड़ा है, ये हम लोग सीरियसली जानना चाहते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोगों को जो है इंस्पिरेशन मिलेगी इस बात से। मुझे शुरू से ही एक्टिंग का कीड़ा था कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। ओके और छोटे शहरों में ना लड़कियों को एनकरेज नहीं करते जी कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा करो, आप लाइफ में ये करो, हमेशा एनकरेज करते कि शादी कर लो, घर बसा लो, ये हमारी नॉर्मल थिंकिंग है वैसी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी जिंदगी के साथ कुछ डिफरेंट करना चाहती हूँ और ये मेरा सपना है और मैं जरूर कोशिश करूंगी पूरा करने की।
नहीं भी सक्सीड हुई तो ठीक है. तो फैमिली ऑपोजिशन बहुत था. मेरे फैमिली बहुत ट्रेडिशनल है, कंजर्वेटिव है, उन्हें पसंद नहीं था ये सब. तो उसके अलावा बम्बई में आई तो सबसे पहले तो कल्चरल शॉक था. बड़ा शहर और यहाँ तो हर कोई कपूर खान इन सब का ही राज चलता है बॉलीवुड में. तो बिगनिंग जो थी वो मेरे लिए बहुत टफ थी. लेकिन मोहतरमा, मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. क्या बात है. मैं ये जरूर कहना चाहूंगी सिद्धू जी, कपिल, इस शो में जितनी भी लड़कियां हैं, प्लीज फॉलो योर ड्रीम्स. आपने जिंदगी में बहुत कुछ अचीव किया, हमारी दुआएं आप और भी बहुत कुछ अचीव करती रहे. लेकिन मन में कुछ ऐसा है जो आपको अभी भी लगता है कि मुझे ये अचीव करना है? एक चीज है जो मेरे लिए पर्सनली बहुत जरूरी है, वो है कि मैं महिलाओं के लिए, अपनी बहनों के लिए एक संस्था खोलना चाहती हूँ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, वेयर दे विल बी गिवन एजुकेशन, दे विल बी ट्रेन्ड, एंड इफ समवन इज अ विक्टिम ऑफ अब्यूज दे विल बी गिवन प्रॉपर काउंसलिंग. ये मेरी इच्छा रह गई है और भगवान करे कि ये इच्छा भी मेरी जल्दी पूरी हो जाए. इंसान जो भी सोचता है और सच्चे दिल से सोचता है और किसी का भला करने के लिए सोचता है, मेरा ऐसा मानना है कि भगवान उसकी मदद जरूर करता है और आप बहुत जल्द ही ये काम भी पूरा कर लेंगी. बहुत अच्छी सोच है आपकी. भाजी, आज अगर हम अपने देश की बात करें तो बहुत सारी जो है टेंशन चल रही है, जैसे जम्मू कश्मीर में टेंशन है, महंगाई कम करनी है, रेलवे को सुधारना है. सो एक आम आदमी के दिमाग पर इतना बोझ रहता है, ऊपर से हमें ये सब काम भी करने पड़ते हैं. तो डोंट यू थिंक यू शुड हग मी वंस? ये हग का क्या लेना देना है कपिल? मैंने बोला ना आपको दिस डिस्टेंस. जी, आज ये जो आप हरकतें कर रहे थे ना, आज आप दो मिनट में ऊपरमैन हो जाते, आपको पता? मलिका शरावर को देखकर तो सिद्धू साहब भी उड़ रहे, मैं तो फिर चड्डा साहब हूँ. आज मुझे पता नहीं भी कहाँ से ऊर्जा आ गई है. ऊर्जा आ गई, ऊर्जा के चक्कर में दो चार जो पूर्जा है ढीले ना कर बैठ रहा. विल यू प्लीज शट अप. हेलो मलिका, हाउ डू यू डू? बुजुर्ग आदमी बुरे दिनों के लिए ना पैसे बचा के रखते हैं. इन्होंने इंग्लिश बचा के रखी थी. वो भी आपकी चली निकली यहाँ से. कहाँ से निकली है? एक मिनट रुको, एक मिनट. क्या हुआ, फोन आ गया? फोन? आज तो कोई फोन आ ही नहीं सकता. स्विच ऑफ. आज तो मैं साथ लेकर आया हूँ. अगर ये बजा, ये तो दूर की बात, अगर किसी और का भी बजा मैंने वो भी तोड़ देना है. इसका मेमोरी कार्ड जो होता है वो निकाल गया. ये मेमोरी कार्ड क्यों खा गया? हाँ जी, मेरी मेमोरी थोड़ी सी कम है ना, इसलिए मैंने 32 GB और डलवा ली है. क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके साथ स्पेंड किया हुआ कोई भी मोमेंट मैं मिस कर दूं. इसलिए वो मेमोरी कार्ड जो है वो मैंने सेव कर लिया है. चड्डा साहब, जिस तरीके से आपने सेव किया है ना, ये सुबह तक निकल जाना है. यार तुमने आकर चेक करना है निकला कि नहीं निकला. मलिका, एक शेर बोलना चाहता हूँ मैं, एक लाइन बोलना चाहता हूँ आपके लिए. बोल लूँ? प्लीज बोलिए. चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता. मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ. आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू. बेटा साहब. हाँ जी. मीटर में नहीं बैठी लाइन आपकी. मीटर में क्या देखूं, अंदर जो हीटर लगा है उसका क्या करना है. शादी वाले लड़के के साथ तुमने कोई बात करनी है तो तुम कर सकती हो. चड्डा साहब, इस उम्र में आपको कोई स्कूटर का लाइसेंस ना दे, आप लग्जरी गाड़ी की सोच रहे हैं? शक्ल देखी आपने अपनी? हाँ जी, कहते हैं सलमान खान से मिलती है.
मैं अभी भी तुम्हें मौका दे रहा हूँ कि तुमने इस लड़के के साथ कोई बात करनी है, कोई सवाल पूछना है तो तुम पूछ सकती हो। आप लड़के हैं? मैं बहुत ज्यादा लड़का हूँ। जब आपने सवाल पूछने को कहा ही है, हाँ जी, तो मुझे बताओ कि शादी के साथ फेरे ले सकते हैं, दो ढाई में ही पैकअप हो जाएगा? देखो जी, इस उम्र में फेरा एक ही बहुत होता है, दो ढाई तो आपने बहुत ज्यादा बोल दिए हैं। अलका, मतलब मैं आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, स्वयंवर रचाना चाहता हूँ आपके साथ। पर स्वयंवर रचाने के लिए तो कंपटीशन करना पड़ता है। मैं पूरा तैयार हूँ कंपटीशन के लिए, कोई भी आ जाए भी मां का लाल। ओके, कोई है जो और ऐसा मल्लिका को इंप्रेस करना चाहते हैं? है कोई? आइए। मल्लिका, क्या क्या करवाना चाहती हैं आप इनसे, बताइए। पुशअप से स्टार्ट करते हैं। पुशअप से चड्डा तो गया। बैठने वाला कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ जी, आइए पुशअप करिए आप। चड्डा साहब आइए। घोड़ी क्यों बने हुए हो? हाँ जी, चड्डा जी, चड्डा जी, चड्डा बस। चड्डा जी, अब आप इस मिर्ची का जीत गया मैं, और जीत गया मैं। चड्डा जी, ये कैसे किया आपने? एकदम मल्लिका शरावत ने मुझे रिचार्ज किया, और दूसरा मैं घर से दो डिब्बे चमन ब्रश के खा के आया था। मारा गया, पेट चाहे मेरा खराब हो जाए लेकिन इंप्रेशन मेरा मल्लिका शरावत के सामने खराब नहीं होना चाहिए। मल्लिका, आप बताओ हनीमून के लिए कहाँ जाना है? चड्डा जी, आप में एनर्जी तो है, हाँ, पर आपको मालूम है लड़कियों को घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। हाँ ठीक है, तो आप मुझे घुमाने फिराने कहाँ लेके जाओगे? हम कोई गर्म सी जगह पे चलेंगे, क्योंकि मुझे ठंडी बड़ी लगती है, मैं तो कोल्ड कॉफी भी रजाई में बैठ कर पीता हूँ। और मुझे तो वहां जाना अच्छा लगता है चड्डा जी, जहाँ सिर्फ बर्फ पड़ती है। स्विट्जरलैंड। ठीक है, फिर हम स्विट्जरलैंड चलेंगे, वहां जाकर अटकेलिया करेंगे। क्या करेंगे अंकल? यार आप तो बोलो ही ना, आपको जब इन बातों का पता ही नहीं है तो क्यों बोल रहे हो? जब इनकी नई नई शादी हुई, इसकी बीवी ने कहा कि डार्लिंग, इस बार हनीमून के लिए हम ना कोई ठंडी सी जगह पे जाएंगे, ये उसको बर्फ वाले कारखाने में ले गया। आप भी इसमें मत बोले। यस, सॉरी चड्डा जी, मेरी तरफ से आपको नहीं। हाँ है। ओए, मैं मर गया। ओए, चटा गया, चटा गया, पोंग पे गया। किसने कहा था एकदम साफ है देखो। दुखी हृदय से सूचित किया जाता है कि चड्डा घोड़ी चढ़ गया। चड्डा जी निकल लिए, इनको ले जाइए प्लीज। किसने कहा था इधर आके मल्लिका शरावत पर लाइनें मारते? चड्डे को ले जाए गड्ढा आप प्लीज। एक और मजनू ढेर। आपके बहुत सारे फैंस यहाँ पे मौजूद हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, आप एक एक करके मल्लिका से बात कर सकते हैं। सबसे पहले कौन आ रहा है?
जी मेरा आपसे एक सवाल है कि आप काफी टॉल हैं और आपने जिन एक्टर के साथ काम किया है वो आपसे हाइट में शॉर्ट हैं, तो आपके आपको उनके साथ काम करने में, रोमांस करने में, प्यार करने में झुकना पड़ता है, तो क्या वाकई में प्यार में झुकना पड़ता है? लेकिन बॉलीवुड का जो प्यार होता है ना कैमरे के सामने, वो जो शॉर्ट एक्टर है उनको पटरा दो, बराबर लेवल पे आ जाते हैं। मलका जी, आप मेरे लिए एक प्यार के दो शब्द बोले और मैं क्यों लंगर लगाए इधर? प्यार के दो शब्द मैं बोलूं? गेट आउट। मैं आपको आपके स्टार के साथ मिलाता हूँ, फैन हूँ, मेरे सामने आप ये सब कर रहे हैं, हद होती है बदतमीजी की। दो शब्द बोलेंगी कौन है आदमी? यार ढाबे खुले होंगे, नाश्ता वाश्ता करो जाके, टाइम पे चलो। आप प्यार के शब्द बोलेंगे उनके लिए? दो अगर आपने उनके लिए बोले ना, दो मेरे लिए चार बोलने पड़ेंगे। नहीं कपिल, मैं नहीं बोलूंगी, आप प्लीज नाराज मत होइए। सबसे तो मैं मिली, लेकिन मुझे दादी नजर नहीं आ रही आज। दादी? हाँ दादी कहाँ है? गई है शायद आज कहीं। मैं हूँ, इधर ही हूँ। हेलो मैं घर में ही थी। वो क्या है ना, जब भी हीरो आते तो मैं बाहर आती हूँ, पर जब आज मुझे पता चला कि मलिका आ रही है तो मैंने कहा मेरा क्या काम। इसीलिए मैं ऐसे ये जवान कोलो कोलो के बीच में बैठ गई। कुछ तो फील गुड फैक्टर मिले, अदरवाइज बहुत बुरा लग। दादी आप ऑडियंस में क्यों बैठी हैं? आप इधर आके बैठी है ना हमारे साथ। अच्छा अच्छा, तेरे तेरा बहुत हो गया, चल। मैं आज पहली बार शो में आई हूँ, मैं हाँ। आपके लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। हाय, पहली बार कोई मेरे लिए गिफ्ट लाई। क्या बता? दादी आंखें तो बंद करो, सरप्राइज है ना दादी। बोतल लाई होगी, बोतल। रिवर्स छपा। शगुन की पप्पी दादी, शगुन की पप्पी। बस कर पगली रुलाएगी क्या? आज मुझे पहली बार फील हुआ है मैं भी कोई ऐसा ही कैरेक्टर कर लेता सूट में। देखा सिद्धू जी, पिछले एक घंटे से शो चालू है, आप पता नहीं क्या क्या कह रहे हो। आती है जाती है, जो खुले में आती है मलिका शेरावत होती है। बदले में क्या मिला आपको? मलिका अगर इनके साथ ऐसा करना था तो मेरे साथ भी कर सकती, फर्क खास नहीं है। नहीं। वो एक कौन सा वाला गाना था? कौन सा गाना दादी? टल्ली। मैं टल्ली गाना? टल्ली टल्ली गाना, एक बार थोड़ा सा कर लेते ना। अरे दादी आपको मैं कैसे मना करूं? इट वाज अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। एक और मारो ना, अच्छा लग रहा है। ये मेरी चाल थी दादी, आएगी ये सब होगा, दोनों का भला हो गया। इसे कहते हैं घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अच्छा बहुत नाच गाना हो गया, एक फैंटेसी है मेरी। क्या? मैं जब भी सिद्धू जी को क्रिकेट खेलते देखती थी ना, जब आप क्रिकेट फील्ड में ऐसे स्लो मो में, व्हेन यू यूज्ड टू रन सिद्धू जी, यूज्ड टू लुक सो हैंडसम। अमिताभ बच्चन के बाद किसी को अगर मैं स्लो मोशन में रनिंग देखना चाहती हूं तो आप हो। वन टू थ्री फोर।
माइक चेक 1 2 1 2 1 2 क्या दोस्तों, जरा नवाजी हाजरीन, एक शेर नजर करना चाहूंगा आपकी खड़काओ नजर में खड़काओ। वाह क्या बात है, क्या तुम तो ठहरे परदेसी के साथ क्या निभाओगे, पहली बार सुना है क्या, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, पंडाल में नहीं है बाथरूम लगी तो करने कहां जाओगे। ताले के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये मुंह पे थूक कौन फेंक रिया, ये लग रहा है, वाह वाह वाह, हो जाती है जिनको देख के, हो जाती है जिनको देख के दिल और आंखों की दावत। वेलकम मल्लिका शरावत। ओ विकी जड्डा, स्वागत मैं बहुत पहले कर चुका हूँ, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। स्वागत कोई डिलीवरी है, दो बार नहीं कर सकते, कर दिया कोई बात नहीं, प्रॉब्लम क्या है, यहाँ ऑलरेडी काम चल रहा है, चलो आगे बढ़ो, चलो काम चल रहा है, आगे बढ़ो, ये आगे बढ़ो वाला एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगता है जिंदगी में, आगे बढ़ो या यही प्रेरित करती है बात। और जहां तक काम का सवाल है, काम चलता रहना चाहिए दोस्तों, लेकिन मुझे अच्छा लगता है दूसरे लोग काम करें और मैं सिर्फ पैसे गिनूं, क्यों ऐसा काम करना चाहते हो कि दूसरे लोग काम करें और पैसे तुम्हें आए जी, सुलभ शौचालय खोल लो अपना। देखिए दोस्तों मल्लिका जी, काम कोई भी बुरा नहीं होता, बस स्मेल बुरी होती है। शी ओके, इट्स अ वेरी नाइस प्लेजर टू स्टार स्टार। वेल, मैं आपके पास एक रीजन से आया था, हमारा एक संस्थान है फाइव स्टार ऑर्केस्ट्रा का, जिसके अंदर हम जो फेमस हीरोइंस होते हैं उनको गिफ्ट वगैरह कुछ देते हैं, इफ यू अलाउ मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ आपकी काइंड परमिशन से। ऑफकोर्स के लिए जरूर तालियां दोस्तों। दर्शना गिफ्ट लेके आओ भाई। दर्शना कौन है? माय वाइफ। दर्शना आ जाओ। आपके लिए क्या है? सिलाई मशीन का कवर। अभी यही अफोर्ड कर सकते थे, आपके लिए रखिए प्लीज। अरे कोई बात नहीं, मुझे सिलाई नहीं आती। अरे आ जाएगी सिलाई कढ़ाई बुनाई सब आप सीख लेंगे, कवर रखी है, माता रानी कृपा हुई, प्रोग्राम और बुक हो गए तो सिलाई मशीन भी दे देंगे। हार पहनाइए प्लीज, लेडीज के हाथों से हार हार पहना दीजिए प्लीज, शॉल दीजिए, हार पहना दीजिए। दर्शना का ब्यूटी पार्लर है, बहुत अच्छा। मुझे हार क्यों बना रहे कपिल? शॉल से आपको सम्मानित करना चाहेंगे, शॉल मैडम को जोरदार तालियां, फाइव स्टार ऑर्केस्ट्रा के बेस्ट पर्सन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेल, हाजमे के लिए अच्छी होती है मूली। एक मिनट, क्या था? बहुत दूर गिरा है। हेलो हेलो। ओह, कपड़े में गुलाब जामुन दिया, देखो किसी ने। ये किसने कपड़े में लपेट के गुलाब जामुन फेंका है? नेक्स्ट टाइम देने का तो प्लेट में दे। कलाकार लोग का इज्जत नहीं है क्या आप लोग को? इतने बड़े कलाकार हैं चड्डा साहब। मेरे ऊपर नहीं फेंका, तेरे ऊपर फेंका मोटे। मैं भी कोई ऐसी वैसी कलाकार नहीं है, जूली है मैं, जूली। ए जूली है वो तो, पूरी जुलाई है वो भी 35 दिन वाली। तो होएगी ना, इनमें 35-40 शोज कर दिए मैं, और वैसे भी अपने मेहनत का खाती है, किसी आगे हाथ नहीं फैलाती। तो फैलाने की जरूरत क्या, खुद इतना फैली हुई तू? है बात तो है। अभी गुस्सा मत करो, बाद में बताना, अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है मेरे डार्लिंग, कोई टेंशन मत लो। ओके एक बात बता मुझे, मैं यहाँ पे पहुंच गया, तू नागिन बनी थी, साथ आना चाहिए, कहाँ रह गई थी तू? रास्ते में किसी ने मेरे को एक कटोरी दूध दिया था पीने के लिए, वो पीने के लिए रुक गई। एक तो तू पहले नागिन बनी, ऊपर से रास्ते में दूध पीने रुक जाएगी, एनाकोंडा बन जाएगी तू किस दिन। जट सर, मल्लिका जी अभी आप बताइए ना, आपके लिए हम लोग क्या पेश करें, मतलब क्या आपके लिए सामने, मतलब खिदमत में क्या पेश कर सकते हैं? आपका नागिन डांस मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा था, बहुत अट्रैक्टिव था, सेंसुअल था। वो तो पेश कर दिया, वो हो गया ना। और क्या पेश कर सकते हैं? पनीर टिक्का, तंगड़ी के बाद दो बिरयानी पेश। भाग जा से, एक मिनट। आज तक हमसे किसी ने इस तरह इज्जत से बात नहीं की।
आप प्लीज चड्डा साहब, भाई परसों के शो में वो पड़पड़गंज में वहां पे इतना धक्के मार मार के जूते मार मार के निकाला था हमको। चलो रात गए बात गई, बिजनेस की बात करते हैं। ओके मलगा, एक 31 का न्यू ईयर का प्रोग्राम है, आपको बुकिंग करनी है, बताइए। तुम्हारा जो शो करते हो तुम, वो मल्लिका के लेवल के नहीं है। पैसे कितने देते हो तुम्हारे शो में? पैसा तो ऐसा डिपेंड करता है कलाकार टू कलाकार, मतलब आप जैसे, मतलब इतनी बड़ी कलाकार है आपको उतना नहीं मिलेगा। बड़े कलाकार को तो ज्यादा मिलता है ना, छोटे कलाकार को कम मिलता है। नहीं नहीं, हम लोग के लिए क्या इजी रहता है ना, जैसे वो लोग क्या ऐसे हवा में पैसा फेंकते, तुम ऐसा कूद के पकड़ लेती हो। वो सब नहीं करेंगे ना, पर फिर ऐसे मुंह में पकड़ के ऐसे पैसे देते तो मैं उधर से खींच लेती हूँ। लेकिन ऐसा जमीन पे ऐसे पैसा वैसा पड़ा होता है तो झुक के मैं धीरे धीरे उठाती हूँ ना, तो 3-4 हज़ार मिल जाते हैं। वो थोड़ा शराबी लोग के पैर के नीचे हाथ आता है, कभी मैं चले गए तो मल्लम लगा के हो जाते हैं। लेकिन मलगा मैं आपको बता दूं, पैसे कमाने ना मुंह से पैसे निकालने की टेक्निक होती है। पार्टी है ना, क्या मुंह में पैसा ऐसा नोट डाल के डांस करते हैं ऐसा करो, ठीक है? तो आप उसमें निकालने की कोशिश करते हो, कई बार क्या होता है निकालने के चक्कर में नोट फट जाता है, 50 का नोट है, 5 उसके मुंह में रह जाता है, आपके हाथ में आता है 0। इसका एक तरीका होता है, आप 50 का नोट निकालना, कुछ नहीं करना, पार्टी ऐसे डांस कर रही है, डांस कर रही है, आप अपना हाथ यहाँ पे ले जाए उसके गले पे ऐसे दबा दे, ATM की तरह नोट बाहर आ जाता है, ट्रांसफर टेंशन नहीं होती। तो अब हम आपकी बुकिंग डन समझते हैं मलिका, कंग्रेचुलेशन, आप हमारे साथ प्रोग्राम कर रहे हैं न्यू ईयर का, चलो ताली होनी चाहिए दोस्तों, ऐसा प्रोग्राम हो रहा है। रिहर्सल मेरे को तो ये अभी नॉट नहीं कहीं जाना चाहिए, नॉट आना चाहिए।